फर्जी आईपीएस मारा गया। उत्तर प्रदेश की निशानेबाज पुलिस ने पैर में सटीक गोली मारा। गोली घुटनों के नीचे हमेशा की तरह इस बार भी लगी है। दोस्तों, बड़ा मजेदार मामला है जिसे आज हम बताने जा रहे हैं। और फर्जी आईपीएस के दाहिने पैर में गोली लगी है, वो अभी घुटनों से नीचे, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। फ्रॉड आईपीएस अपने को आईजी यानी पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी से ऊपर आईजी होते हैं, उसके ऊपर एडीजीपी होते हैं, एडीजी के ऊपर डीजीपी होते हैं यानी पुलिस महानिदेशक। तो यह महोदय थे आईजी यानी पुलिस महानिरीक्षक। तो यह विभाग को ही हड़काता था। फ्रॉड आईपीएस का इनकाउंटर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में हुआ है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। बताते हैं कि 3 दिन पहले फर्जी आईपीएस ने आईजी क्राइम लखनऊ बनकर मथुरा में एक थाना प्रभारी को फोन किया था। स्वाभाविक है, जैसे ही फोन जाएगा, आईजी क्राइम बोल रहा हूँ, फला बोल रहे हो, सर सर सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, ऐसे ही होगा, सर सर कर करके बात करेंगे। थाना प्रभारी या नीचे का कोई भी पुलिसकर्मी बात करेगा तो सम्मानजनक ढंग से करेगा, सर 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 सर, यही करेगा। आईपीएस और विभाग का उच्च अधिकारी बनकर फर्जी जो आईजी था उसने थाना प्रभारी को हड़काया और फिर तेल माफिया से जुड़े हुए तमाम गोपनीय मामलों को पूछा और उसकी जानकारी प्राप्त किया। थाना प्रभारी को बातचीत के दौरान यह शक हो गया था कि यह आईपीएस तो नहीं लग रहा है, आईपीएस रहेगा तो इस तरह की बात नहीं करेगा, कुछ न कुछ बातचीत के दौरान आ ही जाएगा। जैसे मैं भी पकड़ लेता हूँ, कोई कहता है तो मैं पूछ देता हूँ कि आप वह तो नहीं बोल रहे हो, देखो सही सही बात बताओ, दोस्ती करना है तो अपने असली आईडी से आओ, पता लग जाता है लड़का है कि लड़की है, फर्जी है कि असली है, फर्जी आईडी है कि असली आईडी से कर रहा है, ये सब तो पता लग ही जाता है। आप भी इस मामले के विशेषज्ञ हैं जो भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। मोबाइल नंबर को ट्रेस कराया और अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया। पुलिस ने फर्जी आईपीएस के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया तो पता लगा कि फर्जी आईपीएस का नाम सुभाष है और वह राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि मथुरा की जो चतुर्दिक सीमा है उसमें एक सीमा भरतपुर की भी लगती है, यानी राजस्थान के भरतपुर की, जो ब्रज 84 क्षेत्र में उसी परिक्षेत्र में आता है, अभी उस ब्रज तीर्थ में ही भरतपुर आता है। पुलिस ने फर्जी आईपीएस को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, पता लगा कि उसका लोकेशन मंगोर्रा इलाके में है। पुलिस और एसओजी की टीम ने फर्जी आईपीएस को घेरा। बताते हैं जब घिर गया चारों तरफ से और पुलिस ने उसे ललकारा तो उसने फायर झोंक दिया। क्या हुआ मुझे नहीं पता, फायर झोंका नहीं झोंका, बहरहाल विषय पर आते हैं। जवाबी कार्रवाई में भागते हुए पुलिस ने ओलंपिक शूटर की तरह सटीक निशाना लगाया। हमेशा की तरह निशाना अचूक था और गोली ठग श्रेष्ठ के दाहिने पैर में लगी। वो अभी कहाँ, घुटने से नीचे। यह व्हाट्सएप कॉलिंग पर फोन करता था जिससे कि कॉल रिकॉर्ड न हो। थाना प्रभारी को इसने फोन करते हुए बोला था कि मैं आईजी क्राइम लखनऊ सुभाष कुंटल बोल रहा हूँ। हड़काते हुए कहा, तुमने सरकारी नंबर चालू नहीं किया है, बंद कर रखा है, तरीका है क्या, ऐसे स्टेशन अफसर रह करके काम करोगे, क्यों बंद है तुम्हारा नंबर। तो थाना प्रभारी ने कहा, सर यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सर हमने बंद नहीं कर रखा है, सर नंबर खुला हुआ है। तो उसने तेल माफिया निशांत के बारे में कई प्रकार की जानकारियां मांगा। 23 अक्टूबर को 3 बार फर्जी आईपीएस सुभाष ने मथुरा के फर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र को फोन किया। एसएसपी मथुरा ने थाना प्रभारी के द्वारा बताए जाने पर सुभाष कुंटल नामक आईपीएस के बारे में जानकारी किया। अब जैसे मुझसे ही अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये आईपीएस तो उत्तर प्रदेश कैडर का यह नाम समझ में आ रहा है, ऐसे मैं भी बता दूंगा, तमाम पुराने आईपीएस का नाम तो बता ही दूंगा, संपर्क भले ही हमारा कम लोगों से हो। तो अगर कोई आईपीएस यानी एसएसपी मथुरा ने पता किया कि यार इस नाम का कोई आईपीएस तो अभी तक जेहन में नहीं आया ट्रेनिंग से लेकर के अब तक, बहरहाल पता किया कि आईजी क्राइम सुभाष कुंटल नामक कोई आईपीएस है क्या, तो पूरे प्रदेश में इस नाम का कोई आईपीएस नहीं मिला। जो धाराएं लगाई गई वह फ्रॉड प्ले की धाराएं हैं, जिसमें 419, 420, 384, 506, 507 और एवं इसके अलावा 186 में मुकदमा दर्ज किया गया।
ठग आईपीएस का असली नाम राधे श्याम उर्फ सुभाष है, जिसके पास से 21 की संख्या में फर्जी आईपीएस लिखे विजिटिंग कार्ड एवं आईएएस के नाम के भी विजिटिंग कार्ड बरामद हुए। यानी वह दोनों की भूमिका निभाता था, आईपीएस और आईएएस की। इसके अलावा तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की बाइक आदि बरामद की गई। इसके ऊपर कुल 13 मुकदमे पहले से बताए जा रहे हैं, जिसमें 6 मुकदमे केवल मथुरा में ही हैं, उसके बाद भी यह मथुरा में फ्रॉड कर रहा था। जाहिर सी बात है, इतने मुकदमे हैं, मर्डर का केस भी इसके ऊपर चला, यह जेल भी जा चुका है, तो इसका फोटो तो प्रत्येक थाने में होना चाहिए और कुछ न कुछ ऐसी तकनीकी अपनानी चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों का लोकेशन भी प्राप्त होता रहे कहाँ हैं। इसके बाद भी ये लोग इस तरह के फ्रॉड की घटनाएं कर रहे हैं और फर्जी आईपीएस आईएएस बनकर के हड़का रहे हैं, तो ऐसे हिस्ट्री सीटर अपराधी इतने दिन बाद भी पुलिस को झांसा दे रहे हैं, यह कहीं ना कहीं हमारी श्रेष्ठ पुलिसिंग के ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए काफ़ी है। बहरहाल मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है फर्जी आईपीएस को और सटीक निशाना भी लगाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ऐसे फर्जी तमाम लोग घूम रहे हैं और यह महाठग के रूप में जाने जाते हैं, यह ठगी करते हैं, झांसा देकर के नौकरी लगवाते हैं, आपका काम करवाएंगे पुलिस से या आपके मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगवाएंगे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहरहाल शुभकामना उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिसने फर्जी आईपीएस सुभाष राधे श्याम उर्फ सुभाष को पकड़कर उसे जेल भेजा है। बहरहाल इलाज चल रहा है, जेल भी जाएगा और सटीक निशाना लगाया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्र भाव से आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।